रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे आज वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो एक बार क्वेश्चन में पहले पढ़ देता हूँ। पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर सेविंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2020। नरेश रिटायर्ड एंड ऑन दैट डे बैलेंसिंग ऑफ द फॉर्म वॉज एज फॉलो। तो तीन पार्टनर है, पंकज, नरेश और सौरभ। क्वेश्चन नंबर 35। पंकज, नरेश और सौरभ 3:2:1 का रेशो है और इसमें रिटायर कौन हो रहा है जी? रिटायर हो रहा है इसमें नरेश। तो नरेश भाई साहब की छुट्टी हो रही है, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। पंकज, नरेश और सौरभ की कैपिटल है। तो इधर वाली तरफ जो पार्टनर को पटने के लिए हैं वो है जनरल रिजर्व, इधर आओ बैंक डेटर्स, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट बनी हुई है, स्टॉक, फर्नीचर और कमर्स। इधर की तरफ कोई लॉस है नहीं तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, प्रीमाइसिस हैव एप्रिसिएटेड बाय 20%, स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इज टू बी मेड फॉर ₹1200 एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप ₹45,000। तो ये सारे पॉइंट किसके हैं? रिवैल्यूएशन के। गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो फर्म की कितनी है? 42,000 और ₹26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस बी थ्रो बैंक इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन मे बी ऑब्टेंड फ्रॉम बैंक। ये सी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जब हम नरेश का अकाउंट क्लोज कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पंकज एंड सौरभ इज डिसाइडेड टू बी 5:1। तो पंकज का और सौरभ का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखोगे पंकज और सौरभ कितना है जी? ये है आपका 5:1। ठीक, तो पहले हम इसका रिवैल्यूएशन कौन बनाते हैं? रिवैल्यूएशन
इसके बाद में और कुछ नहीं है, बस हम इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। एक बार जरा काम से चेक करना आप लोग। सोलह हजार बीस, 20,100, 20,100, इसमें से माइनस करेंगे माइनस 900 माइनस 500, तो 18,000 रुपये हमारे पास गेन बच रहा है। टू गेन ऑन, ठीक है बेटा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू किस किस के खाते में, अंकज कैपिटल, नरेश कैपिटल और सौरभ कैपिटल। अब ये बेटा कैसे बढ़ जाएंगे 18,000 रुपये, इनको ओल्ड रेशियो ध्यान रखना, न्यू रेशियो कुछ नहीं करते क्योंकि तीनों को बढ़ना है। तो 18,000 रुपये बात होगी तो ये आ जाएगा 9,000 और फिर उसके बाद में 3, 2, 5, 6, 6, 6, 18, 30, 6,000 और 3,000, 9, 6, 15, 3, 18,000। तो ये बन गया हमारा क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। जरा मेरे साथ कलर करो, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो। देखो पंकज हॉफमन पंकज का न्यू है बेटा 5/6 और 1/6 और पंकज का ओल्ड है 3/6 और सौरभ का 1/6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में 2/6 इन्होंने गेन करा लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है, यानी कि नरेश के रिटायर होने पर जो भी गेन हो रहा है वो पंकज को हो रहा है, सौरभ को कोई गेन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि जब सारा गेन पंकज को हुआ है तो जो भी गुडविल का अमाउंट नरेश को दिया जाएगा वो पंकज ही देगा, क्योंकि यहां पर गेनिंग पार्टनर कौन है, पंकज, और यहां पर जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो कौन है, नरेश। अब आप देखो गुडविल का अमाउंट कितना है, गुडविल का अमाउंट है 42,000 गुडविल। चेक कितना दिख रहा है, 42, ठीक है, गुडविल है फर्म गुडविल। इसमें नरेश का शेयर 42,000 मल्टीप्लाई 2/6 पार्टनर कैपिटल। पार्टनर के नाम क्या क्या है जी, पंकज, नरेश और सौरभ। पंकज, नरेश
फॉर्म्स ऑफ पंकज नरेश कौशल। बेटा इनके ओपनिंग बैलेंस हैं 46,000, 30,000, 20,000 बाय बैलेंस बी डी 46, 30, 20 46,000, 30,000 और 20,000 बैलेंस शीट में से जनरल रिजर्व मिल जाएंगे हमें उनके खाते से। बाय जनरल रिजर्व 12,000 रुपये के हैं, कितने की सैलरी 6,000, 4,000 और 2,000 रिबैलेंसिंग का प्रोसेस है। बस बेटा आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसमें हम तीन चीजें लिखते हैं, एक तो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के अलावा गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, पुराने जनरल रिजर्व या पुराने प्रॉफिट लॉस का बैलेंस। तो बैलेंस शीट में केवल एक जनरल रिजर्व था वो हमने लिख दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया और उसके अलावा हमने इसमें रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस को लिख दिया। अब हम निकालेंगे इनके बैलेंस। छियालीस का 50, 50 में तो 52, 61,000, 30 का 34, 3400, 40, 40 और 4, 44 और 10, 54,000, 20 को 22, 22 और 3, 25, 25,000, इनको दोनों को देखेंगे 61,000, 54,000 और 25,000। यहाँ से निकाल लेते हैं बेटा बैलेंस। अब बैलेंस निकालेंगे पंकज का और सौरभ का, टू बैलेंस ठीक है 54,000। देखिए जरा कह रहे हैं कि इसमें 26,000 रुपए तो नरेश को हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर करे हैं, कितने 26,000 नरेश लोन 26,000 और जो बाकी बैलेंस बचा कितना 28,000 वो हमने उनको पेड कर दिया बैंक के थ्रू। टू बैंक अकाउंट 28,000। अब आप एक बात देखो, बैंक में केवल 7,600 रुपए का बैलेंस है जबकि हम नरेश को कितने रुपए कर रहे हैं 28,000 रुपए। तो ये पैसे आप कहां से रहे हैं? क्वेश्चन ने बात लिखी है सी पॉइंट में, नेसेसरी लोन मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम बैंक से लोन ले लेंगे। तो यहां पर यही हो रहा है कि हम बैंक से लोन लेंगे, जितना अमाउंट हमने उसको देना है किसको, नरेश को। ठीक है बैलेंस चाहिए बेटा। देखो जी अब हम बनाएंगे क्या बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। देखो जरा मेरे साथ, जनरल रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 के, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद में बिल्स पेबल, उनमें भी कोई चेंज नहीं आया, 12,000। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, कितनी है जी 2,200 रुपए की।
आउटस्टैंड बाय 4 2200। इसके बाद में फिर आपका प्रोविजन है 6000 की। देखो प्रोविजन आपने बहुत बनाई है, प्रोविजन फॉर डैमेज आपने 6000 की तो ऑलरेडी है, प्लस आपने एक प्रोविजन और बढ़ाई थी, ये नहीं आओ 1200 की, तो कुल प्रोविजन होगी आपके पास 7200 रुपये। इसके बाद आपका बच जी, अब तो कैपिटल के बैलेंस में कैपिटल, अब कैपिटल में देखो ये लग रहा है पंकज और सौरभ, पंकज की कितनी कैपिटल है 47000, सौरभ की 25000, तो ये हो गए 40 और 20 7, 67 और 5 73000। इसके अलावा आप लोन का बैलेंस देखोगे नरेश लोन अकाउंट 26000 रुपये, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। नरेश लोन 26000, हाँ ठीक है, ओके क्लियर है। इसके बाद में और कोई चीज बेटा इसमें नहीं लिखी जाएगी, एक आइटम और आना है। अभी मैंने आपको बताया था कि नरेश को जब पेमेंट करेंगे तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा, अब बैंक से कितना लोन लेंगे वो भी देखेंगे हम, लेकिन जब हम असेट साइड में लिखेंगे तो बैंक का बैलेंस नहीं आएगा। पता है क्यों बैंक का बैलेंस नहीं आएगा? क्योंकि वो हमने ऑलरेडी नरेश को पेड कर दिया, तो डेटर्स देखो कितने के 6000 से वो माइनस करोगे 300 रुपये, तो ये बचेंगे 5700। इसके बाद स्टॉक देखो, स्टॉक कितने का था हमारे पास 9000 रुपये का, और स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है 900 रुपये से, तो 9000 माइनस 900 तो ये हो गया 8100 रुपये। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर था हमारे पास में 41000 का, और फर्नीचर की वैल्यू 4000 से बढ़ रही है, तो ये हो गया 55000। इसके बाद हमारे पास में प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस है हमारे पास 80000 की, और प्रीमाइसिस बढ़ रही है 16000 से, तो प्रीमाइसिस हो गया हमारे पास 96000 की। और कोई असेट्स हमने ना तो कोई बढ़ाई है और ना कोई और असेट्स दे रखी है। इसके बाद हमें बैंक लोन और लेना है, अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने जो अमाउंट पेड कराया है वो कितना कराया है 26000, जिसको नरेश को 28000, ये तो लोन में ट्रांसफर कर दिया, 28000 रुपये हमने बैंक से पेड करे हैं, जबकि ऑलरेडी हमारे पास कैश कितना था 28000 में से 7600 रुपये का हमारे पास ऑलरेडी कैश था, तो इसका मतलब ये बता दी 28 माइनस 7 21 माइनस 600 20400 21 और 7 28, यस 20400 रुपये का आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा तभी आप उसको पेमेंट कर पाओगे। तो यहाँ लिखेंगे 20400, इसकी बैलेंस हम क्या कर लेंगे टैली कर लेंगे आपस में, चेक करो 500 5700 8100 45000 96000 154 800। इसके बाद में 15000 12000 200 7200 73000 26000 2400 155800 कोई 1000 की मिस्टेक है, दो जरा चेक करो एक बार, यहाँ पर बड़े 47 और 25 ये 72 आएगा 72000, तो हमारा जो आंसर आएगा 154800 है, 154800 रुपये, 1,54,800। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 है जो हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके बेटा बाय।